मेरी छोटी सी गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा। शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा कि हम मुंबई से आते हैं। मेरे मम्मी डैडी मुंबई में एक दूसरे को मिले, उनका शादी मुंबई में हुआ। कहने के लिए हम धीरूभाई अंबानी को आप जानते हैं, हम उनके नेबर थे, लेकिन फर्क इतना था कि वो बहुत बड़े बिल्डिंग में रहते थे और हम 10x10 के महल में रहते थे। आपको मुझे पता नहीं आप रिलेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में शायद घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मुंबई में वो 10x10 का घर भी बहुत बड़ा लगता था। तो वैसे एरिया में हम बड़े हुए, और जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं, जिसको हम झोपड़पट्टी कहते हैं हिंदी में। तो जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स, 7 महीने जब मैं मेरे मम्मी के पेट में था, 7वां महीना चल रहा था, दिल्ली से एक प्रॉफेट है जिनका नाम ज्योत्सना पॉल है, अभी शायद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आए थे मुंबई में, और उन्होंने मम्मी के ऊपर देखकर भविष्यवाणी किया कि तेरे अंदर जो बच्चा है वो एक लड़का है, और जब वो बाहर आएगा तो उसको और कुछ करने नहीं देना, वो केवल परमेश्वर की आराधना करेगा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएगा। आज उस भविष्यवाणी को 30 साल हो गए हैं, और वही बच्चा आज जहां पर भी परमेश्वर लेकर जाता है वहां पर जाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करता है और उसके नाम को ऊंचा उठाता है। Praise the Lord। शैतान ने बहुत कोशिश की कि ये जो भविष्यवाणी थी या फिर जो परमेश्वर ने मुझे चुना था उसको बहुत तरीके से है ना नीचे गिराए, या फिर मुझे परमेश्वर की ओर से दूर लेकर जाए। मैं बहुत बार ऊपर से नीचे गिरा हूँ, मतलब स्पिरिचुअली नहीं, प्रॉपरली, सेकंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सीढ़ियों से, मतलब ऐसे गंदे तरीके से गिरा हूँ कि ऐसा लगेगा, वो भी बचपन में ऐसा लगता था कि यार ये मतलब मालूम नहीं अभी क्या हो गया है, वो भी कई बार सर के बल गिरा हूँ। मेरी मानसिक रीति एकदम अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली एकदम ठीक हूँ मैं। बहुत बार मैंने जब हम नाइट प्रेयर में होते थे तो मम्मी डैडी आराधना करते थे और मैं कई बार ऐसे फैन में हाथ डाल देता था तो अचानक सबको गर्म होता था और पता चलता था कि फैन बंद हो गया है, और उस बंद होने का कारण मेरी उंगली अंदर थी। तो जब मम्मी डैडी देखते थे कि अरे उंगली अंदर है, और उंगली जब बाहर निकालते थे तो उंगली जैसे थी वैसे ही थी, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पैर जो है वो बाइक के अंदर चले गए, साइकिल के अंदर चले गए, मतलब इतना शैतान ने कोशिश किया कि इसको जो परमेश्वर ने रखा है इसके द्वारा करने के लिए उसको मैं रोक दूं, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हर बार, हर स्थिति में, हर हालात में मुझे बाहर निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं खुदावन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये मेरा मानना है कि सैमुअल को सैमुअल बनाने के पीछे परमेश्वर के बाद अगर किसी का हाथ है तो उसकी माँ का है, क्योंकि ये उसका चुनाव था, ये उसका प्लान था कि अगर मुझे बेटा होगा तो ये मैं आपको दूंगी परमेश्वर, ये बेटा आपका कहलाएगा। वैसे ही मैं मेरे मम्मी डैडी को भी, जैसे भाई सेल्वम ने बहुत सच्ची बात कही कि हमारे यहाँ खड़े होने के पीछे हमारे लीडर्स, हमारे पासवान, हमारे मम्मी डैडी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा भी हूँ तो ये मेरे मम्मी डैडी का बहुत सारे बीज है जो उन्होंने बोया है, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर उन्होंने अगर मुझे सिर्फ इसके लिए डेडिकेट नहीं किया होता तो आज मैं शायद कुछ और होता, और जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा रखा है वो पूरा नहीं होता। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे मम्मी डैडी के लिए जो है ना अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाना जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ मेरे मम्मी डैडी के लिए जिन्होंने मुझे बचपन से ही उस मार्ग में चलाया, आगे लेकर गए। एक ऐसा दौर भी आया जहां पर मेरे डैडी मुझे बोले, अगर ऑक्यूपेशन वाइज देखा जाए तो मैं एक LIC एजेंट भी हूँ, सच में बता रहा हूँ। मेरे डैडी ने बोला LIC एजेंट बन जाओ, थोड़ा बातचीत करोगे लोगों से, क्योंकि मैं जैसे बड़ा हो रहा था मैं एकदम शांत रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। आप मेरे साथ एक रूम में 10 घंटे बैठो, मैं ना ही आपको आपका नाम पूछूंगा, ना ही आप कहाँ से आए हो पूछूंगा, आप कुछ खाओगे पियोगे कुछ नहीं पूछूंगा मैं, आप मुझे देखते रहना मैं आपको देखते रहूंगा। और ऐसी हम तो इतना शांत था मैं, इतना, ये तो शादी के बाद मैं इतनी बातें कर पा रहा हूं। यस, कभी आप मेरी वाइफ से मिलिए, आपको अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। ओके, तो ये मेरी शादी भी सबसे बड़ी गवाही है। मेरे ससुर जी ने मुझे पूछा कि तुम्हारे अकाउंट, मतलब आउट ऑफ ऑल लव एंड कंसर्न उन्होंने पूछा कि बेटा आपके अकाउंट में पैसा है ना, क्योंकि कुछ महीनों में शादी होने वाली है। मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये थे, शादी का बजट था 14 लाख करीब, और मैंने बोला बहुत कुछ टेंशन मत लो। तो उनको ये कहना था कि तुम टेंशन मत लो, जो भी है हम सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि बहुत बहुत है हम अंबानी के, बात ये कि ना वो हमें जानते हैं। तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने, मैंने और केतकी ने है ना, हम लोग का एंगेजमेंट के बाद हमने कैलकुलेट किया, तभी मैं म्यूज़िक टीचर बन गया था क्योंकि शादी होने वाली थी। मैं दिखाना चाहता था उनके मम्मी डैडी को कि मैं थोड़ा काम कर सकता हूँ, थोड़ा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली जो मैं करना है ना, मैंने जो भी कर सकता था मैंने किया, और फिर हम लोग दोनों बैठे
उसका 25,000 सैलरी, मेरा 25,000 सैलरी, हमने कैलकुलेट किया पूरा, एक साल के बाद में 3 लाख रुपए जमा हो रहा था और हमने बोला इतना बड़ा और भी पैसा बाकी है। तो परमेश्वर ने बोला अभी तू कर चुका है, जैसे पत्रस को कहा अभी तूने रात भर पूरी तरह से कोशिश कर ली है, तूने रात भर पूरी तरह से मेहनत कर ली है, अभी मेरा समय है कि मैं तेरे बोट में आ जाऊँ, अब मेरा समय है कि मैं तुझे ये बताऊँ कि ये तेरे वजह से नहीं है। अगर कुछ भी होगा इसके बाद, अगर तेरी शादी भी होती है, अगर आज तेरा बिजनेस भी चलता है, अगर आज तेरा चर्च भी चल रहा है, सो नॉट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, मैं आ गया हूँ बोट में, मैं आ गया हूँ तेरी जिंदगी में। हालेलुया। तो जो मुझे शायद 10 साल लग जाते थे कमाने के लिए, परमेश्वर ने मुझे 8 महीनों में वो पूरा अमाउंट दे दिया। Praise the Lord, Hallelujah। तो ऐसा है आपको और मेरा परमेश्वर। तो बचपन से मैं आपको किस्से मेरा विश्वास है कि जब लोग यूसुफ को उस पिट में देखते हैं, तब परमेश्वर उसको एज अ गवर्नर देखता है। मेरा ये विश्वास है कि जब लोग डैनियल को उस डेन में देखते हैं, मेरा परमेश्वर ये देखता है कि ये 3 बार दिन में मेरे लिए प्रार्थना करता है। Hallelujah। तो आप जिस जोसेफ को अभी युगों से युगों सदा राजा यहाँ वहाँ देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने जब कोई मुझे नहीं देख रहा था, जब मैं 10x10 के खोली में था, जब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था, तब चुन लिया था, तब मुझे देख लिया था। हालेलुया। तो आपकी शुरुआत भली छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए मायने रखती है। हालेलुया। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, जो थोड़ा मेरे पास है, थोड़ा जोर से बोलेंगे, जो थोड़ा मेरे पास है, वो काफी है। हालेलुया। अगर आज मैं एक गीत गा सकता हूँ, वो काफी है। अगर आज मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ, वो काफी है। परमेश्वर को उसे मल्टीप्लाई करने के लिए, परमेश्वर को उसे आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब मैं मेरी जिंदगी में देखता हूँ इतने सालों के बाद में, कि परमेश्वर वही बच्चा जो 10x10 के खोली में आराधना करता था, वही बच्चा जिसको आज आप सदा राजा गाते हुए देख रहे हैं, पूरा नेशनल एंथम जैसा गा रहा है, वही लड़का जिसको कोई नहीं आजू बाजू में देखता, एक बस में ऐसे बैठा है और गाना गा रहा है, बदलेगा ये मौसम मेरा यीशु आएगा, इस धरती से हमको लेके जाने। ये आप में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये सबसे पहला गीत है मेरे जीवन का जो मैंने 5 साल की उम्र में लिखा था। तो परमेश्वर जब आप सदा राजा जैसा गीत लिखोगे, तब ही आपका इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आप पूरी तरह से गवर्नर बन के ऊपर खड़े रह जाओगे, तब ही आपका इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं है। भाई आप खड्डे में हो, आप आपकी ज़िंदगी के एकदम ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, आपने पूरी तरह से मेहनत की कर ली है, सब कुछ हो गया, पूरी तरह से टूट गया है, तब परमेश्वर बोलता है कि अब इसमें से जो भी बाहर निकलेगा उसका 100% मैं रहूँगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको यहाँ पर आज उत्साहित करने आया हूँ। बचपन से मैं इतना अच्छा नहीं गाता था, आज बहुत लोग मेरे गीत मतलब गाने के स्टाइल के लिए भी तारीफ करते, सेल्वम भाई भी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये हरकत बिरकत लेना ज़रूरी है क्या बीच में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी हरकतें अच्छी है, मालूम नहीं आपको समझा कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इनकी हरकतें अच्छी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मेरी हरकतें अच्छी है। ओके तो जब मैं बाकी लोगों को देखता था, अरे ये लोग ये कैसा ऐसा ऐसा कुछ तो कर लेते हैं, है ना, पहले मेरी आवाज़ नहीं हिलती थी, मेरा शरीर हिलता था, आवाज़ वैसी ही था। बहुत लोग का शरीर हिलता है, आवाज़ नहीं, हरकत नहीं आती है, वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन तो जब मैं देखता था, और जब परमेश्वर बोलता है कि स्किलफुली जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्किलफुली आराधना करनी है, तो तब मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे भी ऐसा कुछ करना है, परमेश्वर मुझे भी ऐसा कुछ करना है। और परमेश्वर की दया से आज इतने साल के बाद में थोड़ा बहुत मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहा हूँ अभी भी, और ये परमेश्वर की दया है कि जहाँ पर मुझे सीखने का कोई
क्या बोलते हैं, साधन नहीं था, क्योंकि आप मुझे पता नहीं कितने सिंगर्स हैं यहाँ पर जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे उनके कल्चर में जाना पड़ता है, बहुत सारे उनके तो मैंने बोला प्रभु मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो परमेश्वर ने मेरे लिए भी एक ऐसा टीचर रखा था जो बोला कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, तू बस अच्छा गाते रहे और जब तक तू अच्छा गाते रहेगा मैं तुझे सिखाते रहूँगा। तो परमेश्वर की दया से वो भी टीचर मुझे अच्छे मिले। और बस और दो मिनट, मेरी जिंदगी में आज तक मेरे पास एक कीबोर्ड नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा है, लेकिन प्रभु की दया से आज मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ। मैं कीबोर्ड भी बजा सकता हूँ, मैं ड्रम्स भी बजा सकता हूँ, मैं गिटार भी बजा सकता हूँ। अभी आप बोलेंगे कीबोर्ड में तो सब रहता है, गिटार भी लिखा रहता है, ड्रम्स भी लिखा रहता है, वैसे नहीं, प्रैक्टिकली प्रॉपरली मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप इनमें से किसी को भी ना रखे और मैं ये सारी चीज़ें बजाओ। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ये परमेश्वर आज मैं यहाँ से खड़े रहकर कॉन्फिडेंटली और पूरे हिम्मत से ये कह सकता हूँ कि मेरा टीचर पवित्र आत्मा है। मेरे गिटार के कॉर्ड्स हो, सारे चीज़ जो हरकतें भी मैं ले रहा हूँ वो सर के भी हाथ है, लेकिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सारे गीत जो भी परमेश्वर ने दिया है ये केवल परमेश्वर का है, और है ना, सारी महिमा केवल परमेश्वर को मिले। हालेलुया। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम मुंबई से आते हैं, मेरी एक मम्मी है, एक डैडी है, एक छोटी बहन है और एक वाइफ है। ओके, तो हम सब हम मुंबई में रहते हैं, हम परमेश्वर की वहाँ पर सेवा करते हैं। मेरे डैडी को पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पास्टर एंथनी राज। ओके, ये गीत आपने सुना है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना। ये गीत पता है आपको? ओके, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो संसार के अंत तक वो ते। ये गीत भी पता है आपको? फिर वो गीत पता है आपको, मेजर कॉर्ड। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरे डूबा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर। तो ये सारे गीत और इससे भी अलावा और बहुत सारे गीत के राइटर, सिंगर, कंपोजर मेरे डैडी है, जिनका नाम है पास्टर एंथनी राज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बेटा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जो परमेश्वर को प्यार करना जानता है और परमेश्वर की सेवा करना जानता है। हालेलुया। और दो मिनट मैं मेरी मम्मी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारी मम्मी हमारी फैमिली की बैकबोन है, जो हमारे लिए प्रार्थना करती है। पिछले 23 साल से मेरी मम्मी एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ काम करती है जिनका नाम है बॉम्बे टीन चैलेंज, और उनका काम यह है कि वो वेश्याओं के बीच में जाकर उन्हें सुसमाचार देती है। इस काम को मम्मी को करते हुए 23 साल हो गए हैं। उस 23 साल के सेवकाई में मम्मी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे वेश्याओं को बाहर लाया है। आज कई प्रॉफिट है, कई पास्टर्स है, कई टीचर्स है जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो ये मम्मी थोड़ी अनसीन हीरो तो नहीं बोल सकते, हीरो बोल सकते हैं ना, मतलब जो दिखते नहीं है, लेकिन वो लोग है जो स्टेज पर कुछ नहीं करते लेकिन ऑफ स्टेज वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मेरा परिवार है और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हम परमेश्वर के जो प्लान्स है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं आपके ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हम हाँ और आमीन बोलते हैं। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे यीशु मसीह के नाम से वो पूरा होगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये मेरा स्टोरी है। जब आज है ना, जैसे मैंने कहा, जब आज आप देख रहे हैं कि हम सदा राजा गा रहे हैं, सदा राजा इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पहचान चेंज हो गई है। हाँ, तेरी स्तुति भी था, पहचान चेंज हो गई है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वही परमेश्वर आपका परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आमीन। जब आप अकेले एक ही स्ट्रिंग, मेरे लाइफ में हर, मैंने कितने बार गिटार में स्ट्रिंग सिर्फ दो या तीन ही होती थी, जिसको नहीं पता गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें से ये 2 या 3 स्ट्रिंग्स में भी मैं ऐसी आराधना करता था कि जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको कोई नहीं देखता है, आपके गुप्त स्थान में जब आपका ऑडियंस परमेश्वर होता है, तब जब आप पब्लिकली परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर परमेश्वर बड़ा बड़ा काम आपके लिए करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर ने जो भी वरदान दिए हैं, आपके पास जो भी परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, जो थोड़ा है उसमें आप विश्वास योग्य रहे हैं। आमीन। जो थोड़ा है उसमें आप विश्वास योग्य रहे, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा काम आपके जीवन में करेगा, उसके द्वारा बड़ा काम आपके लाइफ में, आपके परिवार के जीवन में करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या होगा, लोग मुझे जानेंगे नहीं जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, वो काम आपका नहीं है। आपका काम यह है, अगर आपके पास रोटी या कुछ मछली है वो दे दो। आपका काम यह है कि अगर आपके बोट में अभी कुछ आपको काम नहीं है, आपने मेहनत कर लिया है, वो बोट ऐसी पड़ा है, दे दो। परमेश्वर को पहला उसका काम पूरा कर लेने दो और परमेश्वर फिर आपके हर एक तमाम जरूरतों को यीशु मसीह के नाम में पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं मेरी वाइफ को आगे बुलाना चाहूँगा और हम मिलके आपकी आराधना, मैं विश्वास करता हूँ कि ये छोटी गवाही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, और परमेश्वर आपको ज़रूर उत्साहित करेगा कि यही वो बंदा जो 4x4 की खोली से, अगर परमेश्वर आज जब हम फ्लाइटों में उड़ते हैं या फिर कहीं पर भी हम जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर रहते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं क्योंकि हम हमारी शुरुआत नहीं भूलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर वहाँ से हमें बाहर निकाला है तो हमारा कुछ नहीं है, ये केवल परमेश्वर की दया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल परमेश्वर की दया है। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें एक मिनट के लिए। और अगर आज आपके जीवन में लीडर्स है, अगर आज आपके जीवन में मेंटोर्स है, अगर आज आपके जीवन में ऐसे माता पिता है जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद है परमेश्वर का। एक बाइबल में कैरेक्टर है जिसका नाम है मेफीबोशेत। अचानक एक दिन उसे राजा बुलाता है और कहता है कि मेरा रिश्ता जोनाथन के साथ अच्छा होने की वजह से आज मैं तेरे ऊपर फेवर दिखा रहा हूँ, आज मैं तेरे ऊपर ग्रेस दिखा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज